हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यमारिया एंड यू आर वाचिंग यमास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। और विंटर में आप किस तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं, बेसिकली ये ग्लॉसी मेकअप लुक होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आप अपने स्किन को जितना अच्छे से हो सके हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए। अपने स्किन केयर रूटीन को डेली अच्छे बेसिस पे फॉलो कीजिए। मैंने अभी मेरी स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो चलिए जल्दी से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते हैं। और जितना आपको लगता है कि आपकी स्किन के लिए जरूरी है, आप उतना मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कीजिए। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा लगा लें और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम ही यूज करें आप। जो दूसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे वो है फ्रेंड्स प्राइमर का। प्राइमर भी आप लोग ऐसा चूज करिए जो थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप हो। आप बिल्कुल ऐसा प्राइमर मत यूज करना जो आपको मैटिफाइंग लुक दे। तो मैं यहाँ पे मार्स का प्राइमर यूज कर रही हूँ। विंटर्स के लिए ये प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मार्स का जो प्राइमर है ये थोड़ा सा थिक प्राइमर है, जिससे कि पोर्स में ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है हमारे, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है बाकी और भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे पोर्स में ना जाए। तो ये भी मैं थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप ही यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स, प्राइमर के बाद में हम यूज करेंगे अपना फाउंडेशन। मैं आज डार्क सर्कल के लिए कोई भी कंसीलर यूज नहीं कर रही हूँ कि डार्क सर्कल्स मेरे हाइड हो जाए, क्योंकि हम लोग जितना कम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे विंटर्स में उतना अच्छा होता है। हाँ, अगर आप कहीं पार्टी फंक्शंस में जा रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिए, अपने डार्क सर्कल्स को जरूर हाइड कीजिए। ये मैं आपको डेली बेसिस के लिए बता रही हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा लेयरिंग पे नहीं जाऊंगी। तो अब हमें क्या करना है फाउंडेशन के लिए। अगर आप लोगों का फाउंडेशन मैटिफाइंग लुक देता है, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने फाउंडेशन के अंदर कोई भी फेशियल ऑयल के एक या दो ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ठीक है, मैं फेशियल ऑयल की बात कर रही हूँ, सीरम नहीं यूज करेंगे हम इधर। अगर आप किसी के पास फेशियल ऑयल भी नहीं है तो वो क्या करे, तो वो मेरी तरह एक काम कर सकते हैं, मैं करती हूँ। मार्केट में ये जॉनसन्स बेबी ऑयल मिलता है हमें, आप इसकी एक या दो ड्रॉप्स अपने फाउंडेशन में मिक्स करके लगा लें। आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपके फेस पे ग्लाइड कर जाएगा और बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। सॉरी, बिल्कुल भी कुछ घंटे बाद भी पैची नहीं लगेगा, ना क्रैक होगा आपका फाउंडेशन। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि मैं फाउंडेशन में कैसे अपना ऑयल मिक्स करती हूँ और फिर उसको अप्लाई करती हूँ। तो फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं यूज करूंगी मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। डेली यूज में विंटर्स में आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज कीजिए, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा फाउंडेशन अगर लग गया है आपके फेस पे तो ये आराम से उसको सेटल डाउन कर देगा, यानी जो एक्स्ट्रा होगा वो ये सोक कर लेगा। तो फाउंडेशन कर लिया है मैंने अच्छे से ब्लेंड। आप देख सकते हैं एक शाइन आपको जरूर दिखेगी मेरे फेस पे। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद में फ्रेंड्स, अब मैं यूज कर लूंगी मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर। अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स की विंटर्स है तो हम कॉम्पैक्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्किन और ड्राई लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए, जिससे कि आपका फाउंडेशन सेट हो जाए। बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो आप लगा ही लीजिए जिससे आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। आईब्रोज भी फ्रेंड्स डेली यूज के लिए आप हल्की हल्की ही फिल कीजिए, बहुत ज्यादा हैवी फिल करने की जरूरत नहीं है।
अब बारी आ जाती है हमारे आई मेकअप की। तो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पे यू नो इस तरीके के आई शेडोज ना यूज करके, लाइक यूज तो करूंगी इनको, लेकिन इनको मैं थोड़ा कम यूज करूंगी। मैं जो आज यूज करने वाली हूँ वो ये है, लाइक मैं क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करूंगी। ये एक तरीके से देखा जाए तो ऑल इन वन प्रोडक्ट होते हैं। आप इनको आईज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने चीक्स के लिए भी कर सकते हैं, एज वेल एज अपने लिप्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को फ्रेंड्स मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूंगी, क्योंकि ये फिंगर की हेल्प से यू नो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। आपको चाहिए तो आप यू नो लिपस्टिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा सा लिपस्टिक ना यू नो थोड़ी देर बाद ना उस पे ना लाइंस क्रिएट होने लगती हैं, है ना। तो और लिपस्टिक भी फ्रेंड्स आप मतलब ठीक ठाक लेने जाएंगे तो अंडर 200 या 250 तक तो आपको मिलेगी ही। तो इससे अच्छा है आप इस तरीके के प्रोडक्ट एक बार खरीद लीजिए, काफी चलते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। आई थिंक सो ये भी कुछ 200 या 250 के आसपास ही था। अब इसी शेड के ऊपर फ्रेंड्स में यू नो हल्का सा मिलता जुलता कलर ही यूज करूंगी, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में करूंगी जिससे कि मैं एक ट्रांजिशन यू नो क्रिएट कर पाऊं। अब फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर शिमर शेड थोड़ा सा यूज करूंगी जिससे कि और यू नो थोड़ा सा आई मेकअप अच्छा लगे। तो बहुत हल्का सा यूज करना है क्योंकि ये डेली यूज के लिए तो आपको ज्यादा यूज नहीं करना है कोई भी शिमर शेड, ठीक है। आप अपने यू नो आई शेडो के शेड के हिसाब से ही अपना शिमर शेड चूज करिएगा। अब मैं लगा लूंगी फ्रेंड्स फटाफट से मेरा आईलाइनर जो कि मैं ऑफ कैमरा लगा के मिलती हूँ। ब्लश के लिए भी मैं यही क्रीम प्रोडक्ट यूज करूंगी फ्रेंड्स। और ये यू नो इसके ऊपर ना आप फिर ना कोई भी यू नो पाउडर प्रोडक्ट यूज मत करना, ठीक है। फ्रेंड्स इतना करने के बाद में बारी आ जाती है हमारे हाइलाइटर की। डेली यूज में अगर आपको थोड़ा बहुत हाइलाइटर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाइलाइटर स्किप भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको शादी में जाना है या पार्टीज में जाना है तो हाइलाइटर तो मस्ट है, तो आप लिक्विड हाइलाइटर यूज करिए। मैं आपको यहाँ पे हाइलाइटर भी यूज करके बता देती हूँ कि लाइक अगर आपके पास में लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो आप किस तरीके से अपना यू नो पाउडर हाइलाइटर जो हमारे होते हैं ना उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मेबलिन का यू नो मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज करूंगी, और इसको थोड़ा सा यू नो लिक्विड बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, मेरा स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये एक्चुअली में रियल बेस प्राइमर है जिसके अंदर यू नो गोल्डन टिंट हमें मिल जाता है। तो मैं ये दोनों ही चीज को मिक्स करके हाइलाइटर बना के अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अब मैं जल्दी से अपना अप्लाई कर लूंगी मस्कारा। अब अप्लाई कर लूंगी काजल। काजल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको जरूरत है तो आप लगाइए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं।
अब बारी आ जाती है लिपस्टिक की, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना लिप बाम निकाल देती हूँ। अब आपके पास में फ्रेंड्स कोई भी लिपस्टिक हो, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। डेली यूज के लिए कर रहे हैं तो न्यूड शेड कीजिए, पार्टी फंक्शंस में जा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो शेड पसंद आए आप वो लगा लीजिए। अब लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद में फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, आपके पास कोई भी लिप बाम हो आप लिपस्टिक के ऊपर लिप बाम जरूर यूज कीजिए। मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का यूज कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया हो, मेरे जो भी छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे आप लोगों के कुछ काम आ जाए और ये वाला जो लुक है आपको अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन होगा प्लीज उसको भी हिट कर देना, और वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो एक लाइक भी दे देना और इसको शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।